Hello students, good morning. Welcome to our online classes. Today we are going to discuss the topic chemical equations. So before starting this topic, we have already discussed about chemical reactions and characteristics of a chemical reactions. So now we are going to discuss chemical equations. So the method of representing a chemical reaction with the help of symbols and formula of the substances involved in it is known as chemical equation. इसका मतलब क्या है कि अभी तक जो हम लोग chemical reactions को लिख रहे थे, जैसे कि हमने last class में देखा था a plus b gives c plus d. a और b वहाँ पे क्या थे, symbols को represent कर रहे थे, formula को represent कर रहे थे, okay? जो क्या थे, reactant के formula. इसी तरीके से सी और डी जो प्रोडक्ट हमें फॉर्म हो रहा था उसके फॉर्मूले रिप्रेजेंट कर रहे थे. तो अब हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड इक्वेशन. क्यों? क्योंकि हम लोग इसमें जो केमिकल रिएक्शन है उसको वर्ड्स के फॉर्म में लिखा हुआ है. अब हम लोग क्या करने वाले बेटा, सिंबल्स ऑफ जिंक इज जेड एन, कैपिटल जेड एंड स्मॉल एन. फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ओके. जिंक सल्फेट ZnSO4 एंड फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन इज H2. अब हम लोग इसको कैसे लिख रहे हैं, Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन. तो इस फॉर्मूले को हम लोग बोलेंगे केमिकल इक्वेशन. ये रिप्रेजेंटेशन क्या है, केमिकल इक्वेशंस का, ओके. तो नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. अब इक्वेशंस भी बेटा केमिकल इक्वेशंस टू टाइप्स की होती है. फर्स्ट होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, सेकंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी केमिकल इक्वेशन है, इसमें जो लेफ्ट पोर्शन होता है एरो के लेफ्ट पोर्शन को, इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, और एरो के राइट साइड जो होता है ये होता है प्रोडक्ट. तो इनके जब नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड में इक्वल होते हैं जिस इक्वेशन केमिकल इक्वेशन में, उसे हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. जैसे कि इसमें जेडन हमारा जिंक क्या है, रिएक्टेंट में वन जिंक एटम है. तो प्रोडक्ट साइड में अगर हम लोग जिंक के एटम की बात करेंगे तो कितना है, वन जिंक एटम है, ओके. सिमिलरली हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम यहाँ पे कितना, एच टू. मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं बेटा, टू हैं. तो इधर चेक करेंगे तो हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं, टू हैं, ओके. सिमिलरली सल्फर यहाँ पे कितना है, सल्फर एटम वन, राइट साइड में भी सल्फर वन है. ऑक्सीजन कितने हैं, फोर एटम्स हैं. तो इस साइड प्रोडक्ट साइड में भी ऑक्सीजन के फोर एटम्स हैं. तो यहाँ पे हम लोगों ने एक टेबल फॉर्म की है, नंबर ऑफ जिंक एटम इन रिएक्टेंट साइड वन, हाइड्रोजन टू, सल्फर वन, ऑक्सीजन फोर. सिमिलरली प्रोडक्ट साइड में भी ये वन टू वन फोर. तो ये सारे दोनों तरफ इक्वल हैं, नंबर ऑफ जिंक एटम इन रिएक्टेंट वन, इन प्रोडक्ट वन, सिमिलरली टू टू वन वन फोर फोर. सो ये इक्वेशन हमारी क्या हो गई, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई.